दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोगों को ऐसे समझिए। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, तो आप कैसे पता करोगे? आज मैं आपको 5 ऐसे रिएक्शंस बताऊंगा, ऐसे इशारे बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों के स्वभाव, उसके हालचाल का पता कर सकते हो। चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो रुकना नहीं चाहिए, सभी तक फैला दीजिएगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति मामूली सी बात पर गुस्सा हो जाता है तो उसको प्यार की जरूरत है। अगर बात बात पर गुस्सा हो रहा है तो उससे कोई प्यार नहीं करता है, उससे सही कोई बात नहीं करता है, इस वजह से वो बार बार गुस्सा हो जाता है। नंबर 2, अगर कोई रोता नहीं है तो उसको आप कमजोर समझ सकते हो। रोना कभी कभी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई कभी रो ही नहीं रहा है तो वो अंदर से कमजोर है। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है और छोटी छोटी बातों पर भी उसको हंसी आ जाती है, तो आप समझ सकते हो कि वह भीतर ही भीतर अकेला है। जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो भी वह हंसना शुरू कर देता है, और जब वह एकदम से लोगों के साथ में बैठता है तब भी वह अकेला अकेला हंसना शुरू कर देता है। जब उसमें अकेलापन होता है तो वह हंसता है। नंबर 4, अगर कोई असामान्य ढंग से खाना खा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वह काफी ज्यादा परेशान है। असामान्य ढंग कैसे? अगर कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, उसका खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो आप समझ लीजिए वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसको खाना भा नहीं रहा है। नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति छोटी सी बात पर रो देता है तो आप समझ सकते हो कि वो मासूम है और मन से काफी ज्यादा साफ है। किसी भी बात पर जल्दी रो देना ये ऐसा इशारा है जिससे कि आप समझ सकते हो कि उसका मन कितना साफ है। वो और एक छोटी सी बात पर रो देता है, उसकी फीलिंग्स काफी ज्यादा हल्की होती है और वो कोई भी बात छुपाता नहीं है। अगर दुखी है तो रो देगा, अगर ज्यादा हंस रहा है तो भी उसको रोना आ जाएगा, क्योंकि उसने इतनी खुशी कभी भी फील नहीं की थी। तो ये 5 जो ऐसे इशारे हैं, ऐसे रिएक्शन से जिससे आप लोगों को समझ सकते हो। आशा करता हूँ ज्ञानवीर नुस्खे का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्ञानवीर नुस्खे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।